मेरे जाने के बाद तुम ये उनको दे दो। हंसी के नजर में सही होने से क्या होता है? क्या दुनिया का? मैं थक चुकी हूँ उनको सुनने में। कोई इतना बड़ा सवाल का ये जवाब नहीं जो तुम दे रही हो। देखो अगर तुम सब लोग आने वाले हैं उनके इस मुझे नहीं पता होगा तो उनको सारा ये डाटा दे दो। भाई को पसंद है ना, आपको भी पता है भाई जी का चीज कोई छू नहीं सकता। अभी आया हूँ मैं रूम में बाहर से और देख रहा हूँ कि तो थोड़ी रो रही है और भाई के लैपटॉप में मैं क्या क्या कर रही है। मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था इसलिए अपने दोस्त को बुलाया मैंने। ओके मैं लगाते हैं और चलते देखते हैं क्या कर रही है। आराम से आराम से चलते हैं। क्या काम कर रही हो? ये भाई क्या है ये तो? हाँ तो भाई की चीज में आपका कैसे काम हो गया? तो अंकिश कैसे मतलब सवाल कर रही हूँ? मतलब भाई की चीज है यार, मतलब भाई की लैपटॉप कोई नहीं छूता मारती मैं से भी। कोई नहीं छूता तो क्या हो गया? भाई के बिना परमिशन नहीं चलाना अच्छी बात नहीं है ना। क्या अंकिश मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बताओ ना क्या काम कर रही हो, ये तो बताओगे यार। हाँ बता रही हूँ। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, पसंद नहीं आ रहा भाई के लिए कुछ भी हुआ। अंकेश मुझे भाई को पसंद नहीं है। अंकेश 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ बस, होने वाला है बस। मैं कुछ नहीं कर रही भाई के लिए। हो गया ठीक है ओके चलती हूँ। अंकेश कहाँ जा रही हो? जरा कुछ करा क्या तुमने ये तो बताओ पहले, ये तो बताओ कि करा क्या भाई के लैपटॉप में कुछ। अच्छा अंकेश मुझे तो कुछ बात करनी है, तुम आई गई हो तुम। हाँ तो बताओ। कोई और है तो नहीं मैं तुमसे तो मैं बात करनी बोलो। देखो तुम्हारा मेरा रिश्ता एक भाई बहन जैसा है। बिल्कुल कोई ना तुमसे मेरी लड़ाई हुई और ना ही कोई ऐसी कोई हम दोनों में बात नहीं है जिससे कोई लड़ाई वाली बात हो। ठीक है हुआ क्या ये बताओ। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? सही है क्या हुआ ऐसे क्यों पूछ रही हो आज? तुमसे कभी मेरी बात नहीं हुई इतनी इस टीम में रहने के बाद भी। सबसे बात हुई लेकिन तुमसे कभी बात नहीं हुई। हाँ कहते मैं थोड़ा बाहर जल्दी रहता हूँ। हाँ कभी वैसे मौका भी नहीं मिला। मौका भी बस पहली बार मेरी तुमसे बात हो रही है। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ तुम लोगों के साथ सबके साथ? नहीं सबको तो यही कह रहा है शायद मैं गलत कर रही हूँ। सबको जैसा लग रहा है लगने दो ना, हम लोग के लिए तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, जिसे जो लग रहा है लगने दो। इसमें तुम रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ परेशान से पूरे। अच्छा सुनो अंकेश इसमें देखो ये मैंने अपना एक फोल्डर बना दिया है। ठीक है ये जो है ये मेरे नाम से फोल्डर है। ठीक है मैं तुम्हारे सुजीत भाई के इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि कभी मैं कुछ कर रही हूँ? नहीं क्या भाई को पसंद नहीं ना, आपको भी पता है भाई जी का चीज कोई छू नहीं सकता इजाजत के बिना। हाँ मुझे पता है। देखो ये जो फाइल्स है इसमें मेरी काफी सारी मैंने शूट करके वीडियो करके रिकॉर्ड करके रखी हुई है। कैसा? काफी वीडियो है तुम देख लेना और मेरे जाने के बाद तुम ये उनको दे देना। तो तुम जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं अभी, थोड़ा बस मेरे जाने के बाद ये वीडियोस और ये फोटोज जो भी हैं सारा मेरा डाटा इसमें ही है, सब कुछ मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है तुम उनको बता देना ये सभी है और कुछ नहीं किया मैंने हमारे भाई के लैपटॉप में, सारा तुम चेक करना। अरे चेक करने की बात नहीं है। बस तुमसे इतना कहना है देखो तुम मेरे भाई जैसे हो, बहुत अच्छे हो, तुमसे मेरी कभी कोई बहस नहीं हुई इस टीम को लेकर। बस अगर मुझसे तुम्हारे लिए कोई गलती हो गई। नहीं आप कैसी बात कर रही हो, तुमसे क्या गलती हो गई है? तो अंकेश मुझे माफ कर देना। बस इतना ही है। गलती हर इंसान से होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ये चले जाए।
मतलब तुम ऐसे ऐसे आज बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है बताओ? सुजीत माता का छोटा भाई इतना मुझे भी बनता है आज उनसे पूछना। तो क्या हो गया? ये वेब कर रखी हो क्यों? कुछ नहीं, तुम उनको सारा ये डाटा दे देना, ठीक है, और बता देना अंकिता ये बोल के गई है, और देख लो तुम, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है। अरे यार मतलब चीजें भाई है, ऐसे पूछ रहा था मैं, इसके बारे में बुरा मत मान, इसके लिए सॉरी, गलत लगा हुआ। नहीं नहीं बुरा नहीं मान लेंगे, कोई बात नहीं। देख तो मेरे छोटे भाई जैसा है, कितने भाई थे, तो मेरा जिम्मेदारी मेरी रहती है सामान लेकर, भाई का सामान, ठीक है, मेरे भी तो छोटे भाई जैसा है, ठीक है, हमेशा से सबसे इस टीम में मेरी बहस हुई, लेकिन तुझसे नहीं हुई। मैं इसलिए कि मैं लड़ाई करी नहीं रहती कि तुम ऐसा था, तुम सही हो। हां सबको यही लगता है कि प्रॉब्लम्स मेरी वजह से, तुम्हारे कहने से मैं सही हूँ, सबका नजरिया अलग होता है। देख भाई की भी नजर में सही होना शायद ही नहीं यार, मतलब भाई तुम पर बहुत अच्छा दोस्त मानता है तुम्हें, तुम्हें तो तुम्हें बुला घर घर तक भी जाता है, तुम मेरे दिन नहीं आते तो पूछता नहीं, पूछता कुछ हुआ है क्या, अंकिता नहीं आ पाई हो तो आज तुम ऐसे करोगे तो भाई पर क्या बीतेगी? अंकेश जो मैं कर रही हूँ ना अभी शायद अब उनके लिए ठीक है, कुछ नहीं सोच रही हूँ और कुछ नहीं, देखो यही उनके लिए ठीक है। अंकेश तो आज मैं कह रहा था भाई मान लो ना अपना छोटा, तो भाई को ऐसे जाओगी तुम ऐसे करके? अंकेश तुम्हारी बात समझो, एक बड़ी बहन के नाते तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो कि शायद ही बहन सही कर रही है और गलत नहीं कर रही है। सही नहीं कर रही, जान लो तो वो गलत कर रही हो। नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ये सबके लिए ठीक रहेगा और उनके लिए भी ठीक रहेगा। नहीं रहेगा ठीक किसी के लिए, समझा बोलो ना, नहीं रहेगा किसी के लिए ठीक। अरे तुम जा कहाँ रही हो, कब आओगी? ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना, देखो छोटा भाई मान रहे हो तो बता दो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं यार, मतलब तुम्हें बड़ी बहन जैसा मानता हूँ। देखो अभी रूम में सब लोग आने वाले हैं तो अंकेश मुझे निकलना होगा, ठीक है? तो जा कहाँ रही है तो बताओ, और कब आना है? अंकेश समझो, समझा करो, भाई से मिल के जाओगी तुम, ठीक है ना? सबके आने का टाइम हो रहा है तो कोई बात नहीं, भाई आएगा जब ही जाओगी। अंकेश बात हो, तुम समझा करो बात यार। अंकिता देखो भाई तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, तोड़ चुके नहीं तोड़ रहा है, किसने कहा? देखो रो मत, तोड़ चुके हैं, रो मत, तोड़ चुके हैं, ठीक है, नहीं मैं थक चुकी हूँ अंकेश, कितनी सफाई दूँ मैं अपने बारे में? यार तुम्हारे नजर में तुम सही हो नहीं हो, अपनी नजर में सही होने से क्या होता है यार दुनिया का, मैं थक चुकी हूँ, उनको सफाई देने कुछ भी बोलती रहती है, तुम दुनिया के नजर में, देखो हमारे नजर में सही हो, मेरे भाई की नजर में सही हो, मुझे और किसी का लेना देना नहीं है, तो भाई की नजर में सही हो ना तुम, तो सही हो, क्योंकि हम जानते तुम्हें करीब से, तो हमारी नजर में तुम सही हो, दूर से कोई भी आ जाएगा तो तुम्हें गलती बताएगा। मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी मैंने डिसीजन लिया है जाने का, ये बिल्कुल ठीक है। तो जा कहाँ रही हो बताओ, पहले रहने देना भाई, नहीं जाने दे, नहीं जाऊंगा, कोई इतना ज्यादा जानने की कोई बात नहीं है। देखो अंकेश मुझे काम से जाना है, अभी देर हो गई है मुझको, समझो ठीक है, ये प्लीज अंकेश वो भाई से मिल लेते हैं आप, कोई बात नहीं, भाई मुझसे पूछिएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, रोज ही मिल लेती हूँ भाई से, तो हाँ कोई इतना बड़ा सवाल का ये जवाब नहीं है जो तुम दे रही हो, ये सवाल का जवाब है, सुनो ये सारा मेरा डाटा है, ठीक है, और सारे दोनों चैनल भी इसमें लॉगिन है, तुम दे देना उनको और पासवर्ड है इसमें, ठीक है, उनको सारी वीडियोज दे देना, मेरे जाने के बाद ये संभाल लेंगे वो, तुम्हारे ऊपर छोड़ती जाती, सुनो सही।